राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग। मैं आज आपको लेके चल रहा हूँ राधा रानी के मंदिर बरसाना में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बरसाना की होली और वृंदावन की होली पूरे भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो वहाँ की आज मैं होली दिखाऊंगा आपको और क्या सेलिब्रेशन है वो देखेंगे। बहुत ही भव्य दर्शन होने वाला है आज। दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं, मथुरा वृंदावन से बरसाने की दूरी लगभग 42 किलोमीटर है। तो आइए मैं लेके चलता हूं वहां। दोस्तों, ये विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं राधा रानी मंदिर बरसाना से। मंगला आरती का समय है, ये बिल्कुल सुबह का समय है, सुबह के 4 बजे है और 25 मार्च यानी की आज होली का दिन है। और जितने भी भक्त यहाँ आए हुए हैं वो मूर्ति से पर्दा हटने का इंतजार कर रहे हैं। काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहे हैं, रात के 4 बजे के ही पहले आ गए थे वहाँ और तब से अभी तक इंतजार कर रहे हैं। होली के अवसर पर भक्त गुलाल वगैरह भी उड़ा रहे हैं यहाँ पे। भक्तों में गजब का उत्साह है, ये तो आप देख ही पा रहे होंगे। बिल्कुल पागल से जैसे मदमस्त हो गए हैं राधा रानी के प्रेम में, भाव विभोर होके सारे लोग ये बरसाने की इस मंदिर में, राधा रानी लाडली जी महाराज की इस मंदिर में अपना भाव व्यक्त करते हुए। वाह, जय हो राधा रानी की, जय हो। अभी अभी तो यहाँ पे नाच गान शुरू हुआ है, ये तो पूरा दिन भर चलेगा। वैसे भी आज होली है तो यहाँ पे भक्तजन और जितने भी पर्यटक जो बाहर से आए हुए हैं, भगवान के चाहने वाले, राधा रानी को चाहने वाले, उनका तो आज पूरा दिन भक्तिमय होने वाला है। नाच गान और जयकारे से भरा हुआ दिन होने वाला है ये। दोस्तों, अभी अभी पर्दा हटा है और अभी आपको मैं यहाँ का विहंगम दृश्य दिखाने वाला हूँ राधा रानी का। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आप। वाह जी वाह, जय हो राधा रानी की, जय हो। इनकी महिमा अपरंपार है। अभी अभी जस्ट यहाँ पे आरती शुरू हुई है, मंगला आरती कहते हैं इसको। बहुत ही भव्य शुभारंभ है इस आरती का होली के दिन। और भक्तों में उत्साह देखिए, गजब का दोगुना उत्साह है लोगों में। और होली के दिन यह दिन तो बहुत ही खास हो गया है। सुबह के 4 बजे से ही यहाँ पे लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग आए हुए थे। अभी आरती के टाइम पे आप देख ही पा रहे हैं कितना उत्साह है लोगों में। और हर कोई वीडियो क्लिप्स वगैरह ले रहा है, कैमरे से इस पल को कैद करना चाह रहा है। और यहाँ का माहौल तो गजब का भक्तिमय हो गया है। अभी ब्रजमंडल की इस राधा रानी बरसाना के इस मंदिर का क्या कहना, गजब। सारे लोग राधे राधे का जयकारा लगा रहे हैं। जय हो मेरी लाडली, जय हो मेरी लाडली सरकार जी की, जय लाडली जी महाराज की, जय हो राधा रानी। वाह दोस्तों, सच में बहुत मजा आया ऐसे में तो, ये सुबह की आरती देखते हुए, मंगला आरती होली के दिन वो भी। और भक्तों में उल्लास देखिए, इसमें बीच बीच में रंग गुलाल भी चल रहे हैं। हर एक आदमी के हाथ में मोबाइल और कैमरा है, हर कोई क्लिप बना रहा है इस समय का, सुबह का। और सच में इस टाइम पे बरसाना में आना, राधा रानी के मंदिर में आना, ये अपने आप में ये तभी पॉसिबल है जब राधा रानी खुद यहाँ पे बुलाएं। ऐसे तो आना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है इतनी भीड़ में। आजकल वृंदावन में इतनी भीड़ हो रही है कि मत पूछिए। और ऐसे में इस टाइम पे यहाँ पे पहुँच जाना, ये सच में बहुत 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 बड़ी बात है दोस्तों। ये तभी हो सकता है जब राधा रानी आपको यहाँ पे सच में बुलाएं। अभी अभी आरती का समापन हुआ है और आपको एक बार मैं यहाँ पे थोड़ा सा चारों बगल का नजारा दिखाता हूँ। दोस्तों, आरती के बाद का ये दृश्य देखिए, कितना गजब का दृश्य है। यहाँ पे गुलालों की फुहार, आय हाय क्या बात है। ऐसे दृश्य को देखने के लिए पूरी दुनिया पागल हो जाती है वृंदावन में।
तभी तो वृंदावन की होली और खास करके राधा रानी के गांव बरसाना और वहां के मंदिर का ये विहंगम दृश्य। वाह जी वाह, जय हो राधे, जय ब्रजमंडल की, जय कृष्ण कन्हैया की। दोस्तों आप तो बस ये जयकारा सुनिए, यहाँ पे कितना शोर शराबा है यहाँ पे मत पूछिए, लेकिन सच में ऐसा लग रहा है कि मतलब एक शक्ति एनर्जी जो है वो आप में आ गई है और बिल्कुल आदमी जैसे मुक्त सा और बहुत ही हल्का सा फील कर रहा है, जैसे वो बोलते नहीं कि शून्य में चले जाना, वैसा हो रहा है यहाँ पे। मतलब इतना भक्तिमय वातावरण है यहाँ का, भाव विभोर कर देने वाला, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आदमी भक्तिमय हो जाए और सदा सदा के लिए यहीं पे रह जाए। ये दोस्तों जो फीलिंग है ये आपके यहाँ पे आने के बाद ही आप फील कर सकते हैं, नॉर्मली वीडियो में इतना पता नहीं चलेगा और कोई बोले तो इतना पता नहीं चलता है, लेकिन इसे मतलब एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जिसे आप केवल फील कर सकते हैं। लोगों का जयकारों की आवाज़, फिर ढोल मजीरों की ये आवाज़, फिर गुलाल हवा में उड़ते हुए, वाह मतलब क्या सच में यहाँ पे नज़ारा है मत पूछो। दोस्तों राधा रानी के इस दर्शन को आप एंजॉय करते रहो और आप भक्तिमय होते रहो। दोस्तों यहाँ पे काफी सारे ब्रजवासी बैठे हुए हैं और होली के मौके पे भक्तिमय गीत गाते हुए, और यहाँ के माहौल को मतलब क्या बोले, मतलब इन्होंने चार चांद लगा दिए हैं। लगभग 4:30 हुआ है अभी, 4:30, और उस समय का मैं आपको अभी ये दृश्य दिखा रहा हूँ। यहाँ पे राधा रानी बरसाना मंदिर के जस्ट बाहर एक छोटा सा प्रांगण है, वहाँ पे ये वहाँ पे बैठी हुई महिलाएं हैं जो ब्रजवासी हैं, इसी जगह की हैं। दोस्तों मैं आपको लेकर आ गया हूँ वृंदावन में, ये देखिए परिक्रमा मार्ग पे लोग कैसे होली में झूमते हुए, गाते हुए, रंग एक दूसरे को लगाते हुए और मस्ती करते हुए, नृत्य करते हुए, ये तो पूरा दिन भर चलने वाला है। इसमें ब्रजवासी भी हैं जो यहाँ के लोकल्स हैं वो तो हैं ही, साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक टूरिस्ट आए हुए हैं बाहर से, दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, शिमला से भी यहाँ पे गए हुए हैं काफ़ी सारे लोग, वे मस्ती वगैरह करते हुए। ये सामने मेरे मित्र रोहन भी दिख रहे हैं, रोहन भारद्वाज और प्रदीप शर्मा, ये पीले कुर्ते में हैं और प्रदीप शर्मा, और ये रोहन भारद्वाज ये टी शर्ट में हैं, तो ये भी मेरे मित्र हैं और एंजॉय करते हुए होली को यहाँ पे बिल्कुल फुल मस्ती करते हुए वृंदावन की होली को। लगभग सुबह के 4:45 5:45 हुए हैं दोस्तों, और मैं आपको ये बरसाना से, ये बरसाना गांव का, ये जो पूरा बरसाना शहर है उसका व्यू दिखा रहा हूँ रात्रि काल में, रात के समय का। काफ़ी रंग बिरंगा सा लग रहा है यहाँ का माहौल।
दोस्तों मैं प्रशांत उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, ट्रेवल एवरग्रीन को ज़रूर सब्सक्राइब करें आप। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जय राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा।